नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की। 4 बड़ी खबरों का इस समय राजधानी लखनऊ में डेंगू का आतंक देखने को मिल रहा है। लखनऊ शहर में डेंगू बेकाबू होने लगा है। बीते 24 घंटे में 25 मरीज मिले हैं। एक दिन में मिलने वाले मरीजों के इस साल की ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 21 सितंबर को 24 केस सामने आए थे और जिले में इस साल डेंगू के 309 मरीज मिल चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मिले मरीज आलमबाग, इंदिरा नगर, गोमती नगर एक्सटेंशन, गोसाईगंज और इसके साथ साथ चिन्हट के हैं। इन इलाकों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है और अफसरों का कहना है कि एक हफ्ते से डेंगू के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि डेंगू को लेकर अस्पताल हाई अलर्ट पर है। वहीं राहत की बात यह है कि भर्ती वाले यानी कि जो भर्ती होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या कम है। वहीं बारिश का दौर खत्म हो चुका है, मानसून जा चुका है और अब जो संक्रमण है उससे फैलने वाली जो बीमारी है वो लगातार पैर पसारती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में जिले के सीएमओ भी एक्टिव नजर आ रहे, पैनी नजर बनाए हुए हैं। भले ही मामले बढ़े हों लेकिन जो भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या है वो घटी है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में एक्टिव है। वहीं सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि डेंगू को लेकर अस्पताल हाई अलर्ट पर है। डेंगू के डंग से सावधान। राजधानी में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। लखनऊ में डेंगू से एक मरीज की मौत। लगातार डेंगू का डंग देखने को मिल रहा है। सफाई और जागरूकता अभियान पर जोर दिया जा रहा है। जहां लगातार डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे, डेंगू के डंग से सावधान रहने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी में लगातार मामले बढ़ रहे, डेंगू का डंग देखने को मिल रहा है। लखनऊ में डेंगू से एक मरीज की मौत। सफाई और जागरूकता अभियान पर जोर दे। जहां पर गंदे पानी एकत्र हो उसको उसकी साफ सफाई पर जोर देने के निर्देश दिए गए। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जिले के सीएमओ भी एक्टिव हैं। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता वैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैस, जिस प्रकार से डेंगू से एक मरीज की मौत हो गई है, अभी राजधानी लखनऊ में ताजा क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? डेंगू का डंग का कहर कितना है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें इसमें लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है और पिछले कई टाइम से जो है डेंगू का जो मरीज है मरीजों की संख्या काफी हो गई। हाँ, लेकिन ये अलग ये बात अलग है कि अभी कुछ टाइम से डेंगू संख्या थी उसमें कमी भी आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार लार्वा छिड़काव कर रहा है और तमाम जो डेंगू से बचने के हैं वो उपाय करे जा रहे हैं। जी, जिस प्रकार से जो सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल भी इस पूरे मामले में पैनी नजर बनाए, उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ सीएमओ का लगातार दौरा चल रहा है। जगह जगह पर वो जा रहे हैं, तमाम जो छिड़काव है वो किए जा रहे हैं। डेंगू के जो मरीज हैं उनको देखभाल के लिए वहाँ पे बेडों की अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है और जो बेड हैं वो स्पेशली जो डेंगू के मरीज हैं उनके लिए बेड जो है साफ तौर पे जो है सेपरेट कर दिए गए हैं ताकि अगर कोई डेंगू का मरीज आता है तो उनको जो है परेशानी का सामना न करना पड़े। तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार बाढ़ और बारिश के बाद संक्रमण बढ़ने के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। 25 मरीज भी आ चुके हैं। नगर निगम कितना एक्टिव नजर आ रहा है? नहीं, नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम हमें तो एक्टिव नहीं नजर आ रहा है। नगर निगम तमाम तरीके से फिसलता ही नजर आ रहा है। देखिए, साफ तौर पे मैं आपको बता दूं क्योंकि नगर निगम की सफाई जहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे गंदा पानी भरता है, क्योंकि डेंगू जो पैदा होता है वो जमे हुए पानी से, गंदे पानी पे डेंगू पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर निगम अक्सर देखा गया है कि बारिश के बाद जल भराव में वहाँ पे पानी भर जाता है और ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होती है जिसकी वजह से डेंगू उत्पन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की लापरवाही सामने निकल कर आती है। आए दिन देखने को मिलता है कि जगह जगह पर गड्ढे भरे होते हैं जिसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं। जब पानी रुका होता है और जब गड्ढे भर जाते हैं तो वहाँ पर जो है डेंगू की पैदा होने की आशंकाएं ज्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से नगर निगम को अपना काम करना चाहिए लेकिन नगर निगम काम नहीं कर रहा है और तमाम जगहों पर ऐसी गंदगी की व्यवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं। जिस प्रकार से संक्रामक बीमारियां तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल कितना तैयार नजर आ रहा है? नहीं देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितने भी अस्पताल हैं उनमें डेंगू के जो बेड हैं वो सेपरेट कर दिए गए हैं। अगर कोई डेंगू का मरीज आता है तो उसके अंदर जो उनके बेड हैं ताकि उसको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और वहाँ पर उसको एडमिट किया जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए स्वास्थ्य विभाग लगातार सक्रिय है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे डेंगू का जो बेड है वो कम है। अगर बेडों की संख्या अगर लगातार सही रहेगी तो जो मरीज हैं उनको आने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से जो है डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है तो तमाम तरीके हैं जो बिल्कुल हर बार की तरह इस बार भी संक्रामक बीमारियां कहर बनकर टूटती हुई नजर आई। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैस। तो लगातार संक्रामक बीमारियां कहर बनकर टूटती हुई नजर आ रही है। एक लोगों की मौत की जानकारी है। उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगर में जाली नोट कांड में पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को नोटिस भेजने की बात कही है। अब इस पर अजय कुमार लल्लू ने प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस को चेतावनी दी है। पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि मुझे नोटिस देकर देखे पुलिस। लल्लू ने कहा कि नोटिस का पूरा जवाब दिया जाएगा। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कुशीनगर पुलिस जांच को भटकाने का काम कर रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि पुलिस इस मामले को राजनीतिक और धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रही है। लल्लू ने कहा कि कुशीनगर पुलिस ऊपरी दबाव में मेरे बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं पूछताछ का पूरा और माकूल जवाब दूंगा। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि मामले की सही जांच हो। सिराज हसमती और परवेज इलाही ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश है जो की जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीजें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है और ये सभी जो शातिर बदमाश है इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही साथ जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले 10 शातिर बदमाशों के इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। अपडेट के साथ संवाददाता कुशीनगर से हमारे साथ प्रदीप जोड़ चुके हैं। कुशीनगर पहले सपा का सिपाही और अब लल्लू का नाम सामने आना, क्या लगता है इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है? प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं कि जाली नोट के कारोबार से जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई करने के बाद से अजय कुमार लल्लू ने इस कार्रवाई पर ट्वीट करते हुए सवाल खड़ा किया है कि ये पुलिस आम जनता में भय व्याप्त करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट डाला है और वीडियो भी डाला है, जिसको लेकर तरह तरह के आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिसके बाद से पुलिस उनको नोटिस भेजने की बात कर रही है। एक भ्रामक खबर फैली है पर ऐसा कुछ बात नहीं है। पुलिस किसी भी तरह का नोटिस अजय कुमार लल्लू को नहीं दिया है। नोटिस थमा दिया गया। लल्लू ने क्या कुछ जवाब दिया अभी तक? लल्लू ने कहे कि जो भी नोटिस आएगा या पूछताछ के लिए हमने उसको कड़े एथी में जवाब दिया जाएगा। अभी वो फिलहाल हरियाणा के चुनाव में वो गए हुए हैं, वहाँ वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं अपने पार्टी के लिए। पुलिस पर गंभीर आरोप है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? पुलिस का इससे जुड़े सारे लोगों का जांच पड़ताल खंगाल रही है और जो भी इससे जुड़े लोग होंगे उनपे कार्रवाई करने की बात कर रही है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।